हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल, पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम बशीर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं इंडिया का बिगेस्ट लग्जरी कार शोरूम वर्सेस पाकिस्तान का बिगेस्ट लग्जरी कार शोरूम। ऐसे शोरूम जहां पर लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं, महंगी तरीन गाड़ियां खड़ी हैं, इंडिया में कैसा होता है बड़ा शोरूम? हाँ, और मतलब कारें अंदर कैसी खड़ी हैं, कारों पे सबसे ज्यादा डिपेंड है कि महंगी कारें इसके अंदर लग्जरी खड़ी भी हैं या नहीं। तो जल्दी देखते हैं, कानून करते हैं स्टार्ट। पहले पाकिस्तान का जानते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेस हैं, एक अहमदाबाद में है सैगल मोटर्स के नाम से, जबकि दूसरी ब्रांच यहाँ जीटी रोड पर डीएच सैगल बहुत फेमस है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो आज की वीडियो में यहाँ पर मौजूद तमाम गाड़ियां हम दिखाएंगे और सैगल मोटर्स से मौजूद है उस्मान। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो में टाइम दिया। सबसे पहले व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम करूंगा। उस्मान, ये बताइए कि कहाँ से स्टार्ट लें और सबसे पहले वीडियो में कौन सी गाड़ी दिखाएं? सबसे पहले आपको मैं कम कीमत वाली गाड़ियों की तरफ लेके जाऊंगा, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आज मैं दिखा देता हूँ। आइए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं कंज्यूमर लेवल की गाड़ी दिखाता हूँ। ये सबसे पहले आपको 150 ये लग्जरी है मॉडल है और 21 की इंपोर्ट है, 660 सीसी है, 29,000 चली हुई है, कलर है सिल्वर है इसका और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। इसकी आस्किंग है 30,50,000 रुपीज। मैं आपको दूसरी गाड़ी की तरफ लेके चलता हूँ। इसकी बात है, ये मोवैक्स, ये 21 है और 23 की इंपोर्ट है, 660 सीसी है, 22,000 ड्रिवन है और ये अनरजिस्टर्ड है, जिसकी आस्किंग है 36,50,000। इसके बाद मैं आपको दूसरी गाड़ी की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि मज़दा कैरल है। इसके बिल्कुल बैक पे खड़ी है, ये है मज़दा कैरल, इसकी मॉडल है 23 की इंपोर्ट है, व्हाइट कलर है, जिसकी सीट बहुत अच्छी है, 99,000 की गाड़ी चली हुई है और ये अनरजिस्टर्ड है। ये 99,000 की जापान से चल के आई है, जिसकी कीमत है 33,25,000 रुपए। ये है सिविक रीबर्ट, 2013 मॉडल है और जो चली है टोटल 1,40,000। ये यंगस्टर की अवलीन पसंद है और 660 से बेहतर एक बड़ी गाड़ी अगर जाना चाहे 660 के बजट में, तो उससे बेहतरीन पैसों में ये 37,50,000 में आपको मिलती है, जो कि लुक वाइज भी बहुत तेरा मॉडल है, इसको लोग काफी पसंद भी करते हैं, जिसकी लग्जरी ड्राइव भी है। आई मैं इसके बाद आपको दूसरी गाड़ी की तरफ लेके चलूंगा। ये है 2023 मॉडल की किया स्पोर्टेज, जो कि टोटल 14,000 ड्रिवन है, 2,000 सीसी है और टोटल बंपर टू बंपर साफ सुथरी गाड़ी है। एक बेहतरीन एसयूवी आपको मिल जाती है 85 लाख रुपीज में, जो कि पंजाब रजिस्टर्ड है। ये है 2021 मॉडल है और 23 की इंपोर्ट है, ये टोटल 2,800 ड्रिवन है और ये बिल्कुल और ये अनरजिस्टर्ड है और ये जो है बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन न्यू वेरिएंट है, जो कि बाकी वेरिएंट से बहुत बेहतर है। इसको आप लेना चाहेंगे तो ये आपको साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे 82 लाख तक की बिल्कुल फाइनल आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। इसके बाद मैं आपको दूसरी गाड़ी की तरफ लेके जाता हूं। ये है 20 मॉडल 23 की इम्पोर्ट एक्वा है, ये व्हाइट कलर में, ये एस पैकेज है और ये आपको मिल जाएगी ओल्ड शेप में 68,50,000 में, आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। हमारे पास न्यू शेप भी अवेलेबल है और उसके बाद ओल्ड शेप भी अवेलेबल है, ये दोनों नंबर की और अगर आप पेट्रोल की बचत करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट गाड़ियां है ये। हमारे पास लग्जरी हैं गाइस, इसको लग्जरी बोलते हैं। कुछ लोग सेडान पसंद करते हैं तो उसमें एक बेस्ट सेडान गाड़ी है, जो कि प्रियस है, टोयोटा प्रियस, और ये एस पैकेज है, 20 मॉडल है, 2024 की इंपोर्ट है, व्हाइट कलर लोगों का बहुत पसंदीदा होता है। ये 1,36,000 चली हुई गाड़ी जापान से आई है, बड़ा शोरूम और ये अनरजिस्टर्ड है, ये आपको मिल जाएगी 90 लाख में। बाकी जो अच्छा, रजिस्टर्ड भी अभी नहीं है, गाड़ी की तरफ लेके जाता हूँ। रजिस्टर्ड क्रॉस है, 1 करोड़ तक चली, क्रॉस एक बेहतरीन कलर में इस टाइम अवेलेबल है, खाकी कलर में, जो की आर्मी वालों का बड़ा फेवरेट कलर होता है। ये टोयोटा यारिस क्रॉस 21 मॉडल है, 23 की इम्पोर्ट है, 1500 सीसी हाइब्रिड है और ये 26,000 चली हुई, इस्लामाबाद नंबर लगा हुआ है इसको, ये आपको 105 की आस्किंग में मिलेगी, 1,05,00,000 पुराने मॉडल और नए मॉडल में सिर्फ लाइट्स का डिफरेंस है, जो कि ये इसकी न्यू लाइट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आपको मिल जाएगी 2021 मॉडल है और 23 की इम्पोर्ट है, ये एक बेहतरीन 1,000 सीसी गाड़ी है, टोयोटा पासो लोगों की बड़ी पसंदीदा गाड़ी है, मोस्टली लेडीज जो है वो भी इसको बहुत ज्यादा पसंद करती है, काफी खुली गाड़ी है और ये अनरजिस्टर्ड है। इसकी आस्किंग है 44 लाख, ये साइकिल मोटर पे अभी अवेलेबल है और जब भी आप देखना चाहें तो आने से पहले आप फोन कर सकते हैं। इसके बाद में आपको इसके बाद में ये भी 21 मॉडल है, 23 की इंपोर्ट है, ये 1,000 सीसी वही और ये भी 44 लाख की आस्किंग में है। इसके बाद मैं आपको बैक की तरफ लेके चलता हूँ। आज ये है टोयोटा कैम रॉयल सलोन, जो कि एथलीट में कन्वर्ट हुई हुई है, इसकी लाइट्स और इसके बंपर्स चेंज है, ये मॉडल है 2007 मॉडल है, 12 की इंपोर्ट है, 1,36,000 चली हुई है और ये आपको साइकिल मोटर स्पोर्ट्स में 69 लाख में आपको मिल जाएगी। इसके बाद दूसरी गाड़ी की तरफ लेके चलता हूं, ये 2018 मॉडल की सीएच आ रहा है, 23 की इंपोर्ट है, 2023 की, ये 1,800 सीसी हाइब्रिड होती है और ये 71,000 चली हुई है, अनरजिस्टर्ड गाड़ी है,
ये आपको 96 लाख में मिल जाएगी। ये तो हो गई बाहर वाली गाड़ियाँ, उसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, आ जाए आपको मैं बाकी गाड़ियाँ दिखाता हूँ। गाड़ियों के साथ साथ हम गाड़ियाँ पीपीएफ भी करते हैं, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होती है, ये पूरी गाड़ी के पेंट को प्रोटेक्ट करती है। ये हमारे पास आया था पीपीएफ, हमने पीपीएफ कम्प्लीट कर दी हुई है। उसके बाद हम यहाँ पे फेसलिफ्ट भी करते हैं, जो कि आप हमारे बोर्ड पे देख सकते हैं, वो आप हमारी गाड़ी देख सकते हैं, हम प्रोडक्ट के सब फेसलिफ्ट करते हैं। उसके बाद सिरेमिक कोटिंग भी होती है, पीपीएफ होती है, और उसके बाद डिटेलिंग वगैरह भी करते हैं। उसके बाद आधे में आपको और गाड़ियां दिखा देता हूँ। ये है टोयोटा के लैंड क्रूजर V8ZX, जो कि 13 मॉडल है, 2018 की इंपोर्ट है। ये आपको इस टाइम मिल जाएगा 2,75,00,000 रुपए में साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे, क्योंकि 13 मॉडल बहुत कम अवेलेबिलिटी में होता है, जिसके पास होता है वो लोग देते नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास अच्छे मेंटेन रखा है, आपको मिल सकता है साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे। आइए गाइस अंदर चलते हैं, आपको मैं बाकी गाड़ियां दिखाता हूं। 13 मॉडल है भाई इस टाइम हमारे शोरूम में अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ रेंज रोवर। रेंज रोवर माशाल्लाह दूर से बहुत प्यारी दिखती है, और भी बहुत प्यारी दिखती है। 2023 की इंपोर्ट है ये, बोज P400E है, ये लॉन्ग व्हील बेस है गाड़ी, बेहतरीन गाड़ी है, रोड की बेस्ट SUV है, जो कि सिर्फ आपको मिल जाती है 7,95,00,000 रुपए में। ये अनरजिस्टर्ड है और व्हाइट रूम के साथ है, बेहतरीन एक लग्जरी SUV। उसके बाद आपको मैं लेके चलता हूँ ये 2016 मॉडल के पोर्शे कायन की तरफ। ये पोर्शे कायन GT है, जो कि आपको 5,00,00,000 की आस्किंग में मिल जाती है। ये 16 मॉडल है और ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, जबकि ये चली 29,000। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये आपको साइकिल मोटर पे इस टाइम अवेलेबल है। आप लग्जरी हैं यहां पर। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं लेक्सस की तरफ, जो कि LX570 है। ये है लेक्सस की बेहतरीन SUV, जो कि वाइट बेस रूम है, और ये 16 मॉडल फुल हाउस है, 16 मॉडल है, 22 की इंपोर्ट है, और ये अनरजिस्टर्ड है, 36,000 चली हुई है। ये बेहतरीन SUV है लग्जरी। इसमें अगर आप और मॉडल भी चाहेंगे 2017-18 मॉडल, तो वो भी अवेलेबल हो जाएगी। और अगर और कोई कलर चाहेंगे, ब्लैक कलर चाहेंगे, तो वो भी आपको इसमें बेस्ट मॉडल में अवेलेबल हो जाएगी। और LX570 के अलावा हमारे पास LX600 भी अवेलेबल जाएगा कुछ ही दिनों में, और वो भी आप बिल्कुल साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे ही देख सकेंगे। आए इसके बाद मैं आपको अगली गाड़ी की तरफ लेके चलता हूँ। ये है टोयोटा का लैंड क्रूजर, जो कि LC200 है। ये 2018 मॉडल है, 23 की इंपोर्ट है, और ये 4600 cc, इसमें पेट्रोल इंजन होता है, और ये 62,000 चली गई है। ये अनरजिस्टर्ड है, जिसकी आस्किंग है 4,90,00,000 रुपए। ये आप साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरी गाड़ी की तरफ लेके जाता हूँ, जो कि है ZX। ये ZX फुल हाउस है, 18 मॉडल है, 22 की इंपोर्ट है, ये 36,000 है। कलर बहुत ही प्यारा है, और ये टोटल बम्पर टू बम्पर एक साफ सुथरी गाड़ी है, जो कि आपको 5,20,00,000 में साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे मिल जाती है। इसके बाद आपको अगर आप चाहेंगे इसमें ब्लैक कलर, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये शोरूम में इसमें प्राइसेस गैर बात है, डीजल में 18 मॉडल है, 23 इंपोर्ट है, और TZ है। ये गाड़ी डीजल में 2,800 cc है, अब इंडिया में कैसी लग्जरी मिल रही है ना, 25,00,000 रुपए में साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा फॉर्च्यूनर, जो कि 2022 की लाइट्स भी काफी खूबसूरत है, और ये ब्लैक कलर में इस टाइम साइकिल मोटर पे अवेलेबल है। अगर आप चाहेंगे व्हाइट कलर में, तो आपको व्हाइट कलर में भी मिल जाएगा। इसकी प्राइस है 1,85,00,000 रुपए, 1,85,00,000 रुपीज इसकी प्राइस है। इसके बाद मैं आपको एक और खूबसूरत प्राडो की तरफ लेके जाता हूँ, बहुत रेयर कलर है, और ये हमारे हिल्स एरिया में जितने भी लोग हैं उसको काफी इस कलर को पसंद करते हैं। उसके बाद ये है 18 मॉडल, 22 की इंपोर्ट, 37,000 ड्रिवन है, और ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। ये आपको मिल जाएगी 2,85,000 ये प्रोडक्ट का एक यूनिक कलर है, जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मोस्टली व्हाइट होता है, ब्लैक होता है, सिल्वर भी होता है इसमें, लेकिन ये कलर आपको बहुत रेयर मिलेगा, जो कि साइकिल मोटर व्हाइट और ब्लैक का जो मजा ना प्राडो में, और किसी के पास ये कलर शायद देखने को ना मिले। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हमारी एक बहुत जबरदस्त निसान सफारी पेट्रोल। ये डीजल में होती है, डीजल में भी होती है, लेकिन ये वाली जो हमारे पास है ये पेट्रोल में है। ये 1927 मॉडल है, और 2002 की इंपोर्ट है। इसमें ये रैप लगा हुआ है, ये सब रैप है, जो कि 7 साल की वारंटी में है। इसका ओरिजिनल कलर वाइट है, और ये एक बेहतरीन लग्जरी SUV है, जो ऑफ रोड पे आप इसको बेहतरीन ड्राइव कर सकते हैं। ये आपको देती है 8 km/L, ये आपको साइकिल मोटर स्पोर्ट्स में मिलेगी 80,00,000 की आस्किंग में। इसके बाद मैं आपको दूसरी गाड़ी दिखाता हूँ, जो कि है 2019 मॉडल है, और ये 2000 cc पेट्रोल में है, 25,00,000 चली हुई है, और ये इसकी रजिस्ट्रेशन सिंध है। ये आपको मिल जाएगी 3,10,00,000 रुपए में साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी, जो कि बेहतरीन BMW एक अपने नाम से पहचानी जाती है। ये है 2022 मॉडल और 23 की इंपोर्ट है। ये 620 km सिंगल चार्ज पे जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी रेंज है। 620 km एक बहुत बड़ी रेंज है। इसका एक यूनिक बहुत प्यारा बहुत बड़ा शोरूम है यार, जो ब्लू कलर है, और इसकी बहुत ज्यादा प्यारी ग्रिल्स है। बहुत बड़ा शोरूम है, जाएगी 3,90,00,000 रुपए में साइकिल मोटर स्पोर्ट्स में। ये एक इलेक्ट्रिक कलर में आती है, लेकिन कहते हैं ब्लू कलर भी दिखने में होती है, लेकिन ये ग्रे कलर है। ये IX ड्राइव है, 40 EV। ये 17 मॉडल की वेजल है Z पैकेज में, जिसकी ये ओल्ड लाइट्स है।
बाकी ये गाड़ी 4.5 ए ग्रेड के साथ है, ये 17 मॉडल है, 22 की इंपोर्ट है, 43,000 चली हुई है। इस गाड़ी में जो खास बात है वो इसकी अपनी लुक है। ये 4.5 ए ग्रेड में टोटल B2B गाड़ी हमारे पास साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे है। ये 17 मॉडल है, 22 की इंपोर्ट है और अनरजिस्टर्ड है, जिसको आप रजिस्टर करवा के रोड के ऊपर बेहतरीन चला सकते हैं। ये फ्रंट व्हील ड्राइव किया स्पोर्टेज एक बेहतरीन गाड़ी है, जो 2023 मॉडल की हमारे पास 0 किलोमीटर में खड़ी है। ये 2000cc होती है और फ्रंट व्हील जो है वो खर्चा भी कम होता है इसमें। ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी है, ब्रांड न्यू जीरो, ये आपको मिलेगी 82 लाख की आस्किंग में, जो कि साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे अवेलेबल है। इसके बाद मैं आपको दूसरी गाड़ी की तरफ लेके जाता हूँ। ये स्पोर्टेज है, ये 2023 मॉडल, 82 लाख, अभी 1 करोड़ सुपर का, और ये 2800cc डीजल है। ये 15,000 चली हुई है और ये PPF हुई भी है, कम्प्लीट इस्लामाबाद नंबर इसको लगा हुआ है। ये आस्किंग में है 1,75,00,000 रुपए की आस्किंग में है। ये प्राडो है, 2013 मॉडल का TXL है, बेहतरीन 7 सीटर सनरूफ है, जो कि 79,000 सिर्फ चला हुआ है और ये इस्लामाबाद नंबर इसको लगा हुआ है। ये बेहतरीन ग्रिल टोयोटा की जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होती है, ये इसकी बड़ा माल है भाई, और लाइट्स भी इसकी ओरिजिनल है, ये कोई फेसलिफ्ट नहीं है, और ये गाड़ी आपको मिल जाएगी 2,05,00,000 में साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे। इसके बाद मैं आपको एक और बेहतरीन कलर अपने व्यूअर्स को दिखाता हूं जो साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे अवेलेबल है। ये स्टोन ग्रे कलर है, जो कि देखो बहुत अच्छी लगती है, ये लोग अपनी गाड़ी साफ रखते हैं, जो मतलब दो नंबर ही होती इनकी गाड़ी की इंपोर्ट है। ये टोयोटा प्रायोरिटी एक्स है, अक्सर दो नंबर ही होती है गाड़ियों में, लेकिन इसमें नहीं है, और ये इस्लामाबाद नंबर लगा हुआ है। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर पेट्रोल में, ये 2700cc पेट्रोल है, ये 70,000 चले भी है और ये इस्लामाबाद नंबर इसको लगा हुआ है। ये आपको मिल जाएगी 1,20,00,000 पे, जो कि साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे इस टाइम अवेलेबल है। ये BMW की 745LEX ड्राइव है, ये 2019 मॉडल है, 23 की इंपोर्ट है और ये 3000cc हाइब्रिड गाड़ी है। ये 25,000 चली हुई है और अनरजिस्टर्ड है, ये आपको मिल जाएगी 7,50,00,000 रुपए में, जो कि ये भी इस टाइम साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे अवेलेबल है। ये है टोयोटा कैमरे, ये हाई ग्रेड की गाड़ी है और 23 की इंपोर्ट है। ये गाड़ी 2500cc हाइब्रिड है और ये 13,000 चली हुई है, ये अनरजिस्टर्ड है और ये आपको मिल जाएगी 2,35,00,000 की आस्किंग में, और ये इस टाइम साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे अवेलेबल है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी दो और लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ, तो आइए मैं दिखाता हूँ। तो ये है गाड़ियाँ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इलेक्ट्रिक की बेहतरीन सेडान्स। ये एक स्पोर्ट्स वर्जन भी है और ये टेस्ला मॉडल 3 है, जो पाकिस्तान में बहुत कम देखी जाती है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है इलेक्ट्रिक में। सबसे पहले मैं आपको ये इसकी बात करूंगा, ये गाड़ी 2021 मॉडल है, 23 की इंपोर्ट है, ये 350 से 400 किलोमीटर्स करती है पर चार्ज में, मॉडल 3 है भाई, सबसे सस्ते वाला अनरजिस्टर्ड गाड़ी, 1,65,00,000 रुपए में साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे अवेलेबल है आपको, सबसे सस्ता मॉडल। अगर हम दूसरे की बात करें तो ये डुअल मोटर के साथ, ये भी टेस्ला है, ये मॉडल 3 है और ये 20 मॉडल इंपोर्ट है। ये लॉन्ग रेंज परफॉर्मेंस है, जो कि ये इसकी माइलेज होती है 400 से 450 तक, इसकी लॉन्ग रेंज प्लस माइलेज है और ये 29,000 चली हुई है, ये अनरजिस्टर्ड है, आपको मिल जाएगी 2,20,00,000 रुपए में साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पे। सबसे सस्ता यू कम ऑन अ ड्राइव विद मी इन एन एक्सोटिक लाइक अ फरारी और अ लैम्बोर्गिनी, चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द कॉन्टेस्ट रूल्स, हु नोज यू माइट बी सिटिंग शॉटगन विद मी इन अ लैम्बो। हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग, यू कैन सी अ हमर अप फ्रंट, वेल आई ऑलरेडी व्लॉग्ड ऑन दैट, एंड दिस इज द BMW Z4 एंड ओवर देयर यू हैव गॉट अ रेंज रोवर SV ऑटोबायोग्राफी। So many exotic cars, so many premium cars, everything looks so mind-bogglingly awesome. Well, this is the Porsche 911 GT3 RS and just look at this car. Alright, it is so freaking awesome. Let me open it and here you go. You know what? They don't even have door handles, they have this thing, this material, whatever that is, to save weight. And that's not all, just look at the interior, it is so mind-boggling awesome. I love this, okay? Cup holders are so freaking cool. I mean, where am I that there's so many cool cars? Well, I am at CL5 Automotives, which is one of the best car dealerships in India and by far the best car dealership in terms of exotic cars and of course premium cars as well. Look at the size of this spoiler. The GT3 looks mind-bogglingly awesome, but it is really the Ferrari which draws my attention. Yes, there's a Ferrari here. This is the 488 GTB Fiorano and I've driven it and I'm vlogged on it as well. Looks so freaking beautiful. So CL5 Automotives, this is the place you guys have to visit if you want to experience a crazy amount of cars. So let's quickly get inside the Ferrari and it's so red, it is so freaking Ferrari here. Looks beautiful. I can sit inside the vehicle and start it up and drive it for you, but I've already done that in a different vlog. So let's just focus on the kind of cars we have here. So of course, exposed engine bay, which is always the case with a Ferrari. But my personal favorite is this. This happens to be the 458 Spider and it has an aftermarket exhaust. Ferrari is freaking loud. Super loud. I can't tell you how loud it is. Inside here. Alright, I'm going to jump in because I can't
leave the temptation of sitting inside a Ferrari. Beautiful cabin, looks so freaking awesome. Ferrari 458 Spider, everything feels so nice. Let's just put this on race mode very sneakily and let's get out of the vehicle, because again I have vlogged on this as well from the front. I mean, it is a Ferrari, so obviously it is mind-boggling. And over here we have the Huracan. There's another Huracan there, that's the Spider. This is the coupe version, which means that the engine bay is exposed, V10 motor, and you can see that, beautiful, isn't that? And this is of course the Spider. Now I've vlogged on this as well. So certainly looks very nice. We have an Aventador here, but as they say, one isn't enough. So we have another Aventador. This one has been wrapped. Now it looks like a Batmobile. Just look at the car. That is so mind-bogglingly awesome. Let's open it. And yeah, scissor doors. That is so cool. The cabin is so freaking awesome. Look at the buttons. I mean, yeah, obviously getting inside can be a challenge, but open this, press the start and stop button. It rose to life with the V12 motor. Splendid vehicle. But you know what? I love the yellow one. I don't know why. I actually love both of them. So freaking awesome. Mind-boggling. Alright. But beyond the exotics, there are also a lot of premium cars. Like the GLS, the Mercedes GLS, the Mercedes SLK. A lot of Mini Coopers. So GLS, GLE, Range Rover Evoque, another Range Rover Evoque, another Mercedes GLE. We have the 5 Series. This happens to be the new model. Yeah, the G30 of the 5 Series. This is the C43 AMG. We have a Porsche Panamera. This is the diesel variant. So that's always the case. And the interior is bathed in leather. There is so much leather inside. It actually smells nice, which is a good thing. So let's get inside. And it has this can holder as well. This is so freaking cool. You know, I want to have a Coke right now because of that. Beautiful Panamera. What a cabin. I mean, Porsche makes some really awesome cabins. There's the Bentley here, which again I have already vlogged on, and you can blame me for it being a little dirty right local now. But yeah, you took a little off-road and a little which I shouldn't have, but then look at the Bentley. Alright, again, supremely comfortable, supremely luxurious. Look at the amount of leather on the roof. That's maddening, isn't it? That's absolutely crazy. So much leather inside a car. But hey, there's a Mini, there's a G63 Porsche Cayenne, another Porsche Cayenne. So a lot of Porsches here as well. I honestly do not know where should I go in the showroom, because wherever I go, I don't want to move away from there. What a beautiful showroom. Another Mini here. Okay, let's dive deep inside and let's see more cars. So we have a C-Class here. There's another C-Class. There's another Porsche Cayenne. And there is a Jag. So that is the XE. Meanwhile, over here we have the Land Rover Freelander, a Volvo XC90, and the Mercedes GLC. This Range Rover looks mind-boggling in this black color with this red treatment on the Range Rover badging at the front. What a showroom. I honestly feel that if you are in Hyderabad, you should definitely visit this showroom and experience all these exotic cars, these premium cars, and see for yourself, because it's just an entire different thing. This Lambo, push-rod suspension, similar to Formula One cars, Olin's, wow, V12, V10, SLK. What a showroom. In fact, if I keep going ahead, which I can keep going ahead and ahead, there's a lot more inventory of cars. I've never seen inventory of such premium cars in one location. A crazy amount of cars. Keep going on and on. There's a Beetle right there. So Mercedes E-Class here, that is a Land Cruiser, because you have a Jag here, another Jag, Jaguar. 7 Series, A6, A4, Superb, A3, old 5 Series, regular old 5 Series, Beetle, 3 Series, another 3 Series, an I10 here, in between everything, there's a Micra as well. There are more premium cars than you can imagine. There's a Superb here, there's an old A6, like a really old A6. And there's the old ML. There's a Safari there. It looks really nice, the Safari. I really like it. And this is the old C-Class. Meanwhile, this is the old Volvo S60. And there is an X3 here. There's a Mercedes GLA there. Alright. And so many cars. How do they manage inventory of so many cars? Now, I'll tell you something about this company. What they do is they do, I think, a massive check of, I think, 160 checkpoints about the vehicle to ensure that everything is fine before they sell it to you. It obviously gives you peace of mind while buying any of these cars. And I'm sure many of you would love to have a premium car. You know, if someone else takes a depreciation hit, why not do it? Because these are so tempting. This is the 525D, it's an old 5 Series, of course. There's an E-Class here. C-Class, a lot of Audis. In fact, there's another Bentley there. And we have the X6 here, Q7, Q5, Skoda Kodiaq, and then again we have an X5 there as well. And as I keep walking ahead, this is of course the Bentley. The Bentley looks really nice.
There's the old S-Class. That is so freaking awesome. Rose gold in the center, not really to my taste. You have a CLA, there's the XA, there's another Range Rover here. How do you manage to get so many cars in one place? I am absolutely baffled. So guys, this is a walk around of what I feel is one of the best showrooms in India and definitely the best premium car showroom with the most exotic cars on display in India. And if you like this video, well, give it a thumbs up and make sure to visit the showroom to experience all these cars. Again, I'll tell you the name of this place. It is CL5 Automotives in Hyderabad. And after everything, I have to circle back to this foray. जो हुंडई आपको आपने किया कि हमारे पास वो स्पोर्टेज खड़ी थी जिसका 90 लाख इस तरह मांग रहे थे अभी 1 करोड़ से ऊपर है वो इंडिया में नई 10 लाख की मिल रही है। इस शोरूम में टोयोटा की 1 की 2 गाड़ियां थी, बाकी सारी कोई ब्रांड की थी। हां टोयोटा इसके अंदर ना असल लग्जरी ब्रांड कौन से होते हैं? मर्सिडीज, ये पोर्शे, लैम्बर्गिनी, बेंटली, रोल्स रॉयस, ये होते हैं ना? यही होते हैं, सारे यही रेंज रोवर, जैगुआर, ये लग्जरी ब्रांड्स है ना। हमारे पास तो इधर टोयोटा को भी लग्जरी, चलो लैंड क्रूजर में मानता हूँ एक लग्जरी में आता है, महंगी गाड़ी है। लेकिन जो हमारे पास शोरूम था ना, हमारे पास शोरूम इंडिया में सबसे कम प्राइस वाला शोरूम इंडिया में वो होता है। सही बात है, हमारे पास जो सबसे बड़ा शोरूम है पाकिस्तान का, वो इंडिया में वो सबसे कम प्राइस वाला शोरूम होता है। एक नॉर्मल शोरूम वैसा होता है पाकिस्तान, एक नॉर्मल शोरूम वैसा होता है यार। ये हमारा सबसे बड़ा सैगल, और ये तो लग्जरी है, फिर इससे हैवी कितने होंगे? उससे हैवी कितने होंगे? इंडिया में बीबीटी पता नहीं कितने शोरूम्स है भाई, कैसे कैसे शोरूम से बंदा हिलता है। सही बात है, ऐसे ऐसे अक्सर वो देखो ना भाई, ऐसी ऐसी गाड़ियां इंडिया में कि भाई खाली अंबानी का शोरूम देख लो तो पागल हो जाओगे। जो हमारे पास 2002, 2005, 2007 वाले मॉडल की गाड़ियां वो इंडियंस यूज करके छोड़ देते हैं भाई। भाई सात वाला उधर चलता ही मॉडल नहीं है अभी। 2002 का मॉडल हमें 85 लाख का दे रहे, वो कोई इंडिया में कोई पूछता नहीं, वो वाली इंडिया में कबाड़ में बिक रही है। इंडिया में 2010 के बाद का जो मॉडल होता है उसको 2010 अर्ली मतलब 15 तक वो भी बहुत कम लोग लेते हैं। इंडिया में 15 के बाद या 2000 यूज में अगर लेना है ना तो 2020 के बाद के मॉडल लेते हैं। और वो देखा है इंडिया में यूज गाड़ियां क्यों इतनी सस्ती हो जाती है, कोई 1 लाख की, कोई 2 लाख की, कोई 3 लाख की, वैल्यू नहीं रहती यार, वैल्यू नहीं। उधर नई गाड़ी के शौकीन है लोग, तो आपका गाइस का कहना है इधर मोस्टली यूज कार लोग लेता है। अपना गाइस बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना।